जन्य जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत एनिमेटेड फिल्म्स की तैयारियां की गई। इन एनिमेटेड फिल्म्स दिव्यांगता पुनर्वास से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को मनोरंजक एवं रोचक तरीकों से प्रस्तुत किया गया है। इसका शीर्षक है टीटू की दुनिया। इस रिसर्च प्रोजेक्ट में कुल 5 फिल्में हैं दोस्तों। बीकेजी मध्ये मुंबई मध्ये दिव्य कला मेला जो है तो आयोजित करण्यात आलेला आहे। सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या दिव्यांगजन विभागाच्या वतीने हा मेला या ठिकाणी होतो आहे। आणि जे दिव्यांगजन लोक आहे त्या दिव्यांगजन लोकांना आपली कला जी आहे किंवा आपलं जे साहित्य आहे जे ते साहित्य बनवतात आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये वाढवण्यासाठी त्यांना मार्केट करून देण्यासाठी अशा पद्धतीचे मेळावे आम्ही ठेवतो। आणि याच्या अगोदर गुवाहाटीमध्ये एक मेळावा झाला होता, त्यानंतर दिल्ली इंडिया गेटमध्ये एकदा झाला होता आणि आता मुंबईमध्ये होतो आहे। जवळजवळ 22 राज्याचे जे दिव्यांगजन आहेत ते यामध्ये भाग घेतात आणि जवळजवळ 200 वरती स्टॉल जे आहेत ते या ठिकाणी आहेत आणि त्यांना आपल्या कलेचं जे काय योगदान आहे त्यांच्यामध्ये असणारी कला आहे त्याचं चांगलं प्रदर्शन आहे ते करून देण्यासाठी त्याचा चांगला उपयोग होतो। आणि दिव्यांगजन मंत्रालय जे आहे माननीय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आमचं मंत्रालय अत्यंत ॲक्टिव्ह बनवलेलं आहे। आमच्या मंत्रालयाच्या वतीने एक स्पेशल सेक्रेटरी जो आहे हा आमच्या दिव्यांगजनसाठी आहे आणि आमच्या फक्त आमचं एकच मंत्रालय असं आहे, त्या मंत्रालयाला 2 सेक्रेटरी आहे। त्यामुळं आमचं मंत्रालय जे आहे ते मंत्रालय ज्या वेळेला जवळजवळ 12-55 हजार कोटीचं बजेट जे आहे हे दिव्यांगजनांसाठी नवीन आमच्या बजेटमध्ये आहे आणि अशा पद्धतीनं आजचा मेळावा या ठिकाणी होतो आहे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी आमचे कॅबिनेट मंत्री आहेत ते उद्घाटन करण्यासाठी इथं आलेले आहेत आणि हा मेळावा जो आहे मेळा जो आहे हा चांगला यशस्वी होतो आहे। जवळजवळ 10 दिवस हा मेळा चालणार आहे। मुंबईकरांना आपलं आव्हान आहे की दिव्यांगजनांनी बनवलेलं साहित्य विकत घ्या आणि त्यांना मार्केट निर्माण करून द्या, त्यांचा उत्साह वाढवा, अशा पद्धतीचं सर्वांना आपलं आव्हान आहे। दिव्य कला मेला किस तरह का संदेश महाराज पूरे देश को दे रहे? दिव्य कला मेले के माध्यम से इसके पहले हमने दिल्ली में 7 दिन का कार्यक्रम वहां पर किया था इंडिया गेट के पास में और पूरे देश से लगभग 22 राज्यों से दिव्यांग भाई बहन उसमें लगभग 150 से ज़्यादा स्टॉल लगे थे। यहाँ पर भी लगभग 200 स्टॉल दिव्यांग भाई बहनों के लगे हैं। इन स्टॉलों के माध्यम से जहाँ एक और दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए प्रदर्शनी के माध्यम से विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे इस क्षेत्र में काम करने वाले आयात निर्यात करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी एक स्थान पर ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले व्यक्तियों से मिलने का एक सशक्त माध्यम उपलब्ध हो जाता है। पिछली बार जब दिल्ली में मेले का आयोजन हुआ तो वहाँ पर कई स्टॉलों का सामान तो 3-4 दिन में ही बिक गया था। दिव्यांगजनों को उनके जीवन में एक और सम्मान का भाव लाना, स्वाभिमान का भाव लाना, वहीं उनके जीवन में सुगम्यता का भाव लाना, इसको ही आगे बढ़ाने के लिए दिव्य कला मेलों का आयोजन किया गया है। और मैं जब स्टॉलों पर होकर आया तो दिव्यांग भाई बहनों के चेहरों पर जिस तरह की खुशी देखने को मिली, बहुत सारे इसमें से दिव्यांग भाई बहन दिल्ली के उसमें वहाँ पर आए हुए थे, इसके बाद गुवाहाटी में भी लगाया गया। आगे चल के हम ये हमारा 10 राज्यों में करने का भी योजना है ताकि दिव्यांगजनों को ज़्यादा संख्या में, अब अगर नॉर्थ ईस्ट में होता है तो नॉर्थ ईस्ट में वहाँ के दिव्यांगजनों को यहाँ तक आने में सुविधा होती है, तो वहाँ के दिव्यांगजनों को जब इस तरह के दिव्य कला मेले का आयोजन किया जाएगा तो वहाँ पर बड़ी संख्या में वहाँ पर इसके लिए उनको कौशल प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देने के साथ ही साथ जो हमारे 4 वित्त निगम हैं अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, दिव्यांगजन वित्त विकास निगम, सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, इनके कम ब्याज की दर पर सहायता उपलब्ध करा के ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सकें। मैंने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दिव्यांग भाई बहनों में हमारे जो सफाई कर्मी व्यवस्था से जुड़े हुए वो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन इसमें आगे आ रहे हैं और आज वो बड़े सम्मान के साथ में स्वयं भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, परिवार को भी अपना योगदान दे रहे हैं। पहले ये होता था कि घर में कोई अगर दिव्यांग होता था तो परिवार के परिजन शादी में जाते थे,
उसको घर पर छोड़ जाते थे, कहीं मेले में जा रहे हैं तो उसको छोड़ जाते थे, कोई बीमार हो गया तो उसको देखने जा रहे हैं, वो कहते थे कि परिवार का एक सदस्य है। लेकिन दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए एक और जहाँ विभाग के द्वारा सहायक उपकरणों का वितरण किया जाता है, वहीं उनको जो 80% से ऊपर के जो दिव्यांगजन होते हैं जिनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है, उनको ट्राई मोटाई साइकिल भी वो भी दी जाती है। उसके माध्यम से अब हमने देखा कि बहुत सारे दिव्यांगजन उस पर रेडीमेड कपड़ों की पोटी रखकर गली गली जाकर वो गाँव गाँव हाथ साप्ताहिक हाट बाजारों में जाकर आज जीविकोपार्जन करने लगे हैं, प्लास्टिक सामान लेकर जाने लगे हैं, बेकरी का सामान लेकर ब्रेड बेकरी बिस्कुट लेकर वो बेचने के लिए जाने लगे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि दिव्यांगजनों के द्वारा लकड़ी का काम, पेंटिंग का काम, कपड़े का काम, कालीन का काम, अचार का काम, सेहत का काम, इतने विविध क्षेत्रों में हमारे दिव्यांग भाई बहन काम कर रहे हैं जो पहले अपने आप को असहाय अनुभव करते थे, लेकिन आज सरकार के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 के बाद से जिस तरह से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया, उसमें एक और जहां दिव्यांगता की जो 7 श्रेणियां थी उन 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया, और 21 करने के साथ ही साथ उनको स्किल ट्रेनिंग के साथ में भी जोड़ा जा रहा है। उस स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ जोड़ने के परिणाम हम सामने देख रहे हैं कि आज बड़ी मात्रा में दिव्यांगजन आगे आ रहे हैं, स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जब आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं तो उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास, तो हमारे देश के दिव्यांग भाई बहनों का भी इसमें तो सर, प्रयास सर, है। ये जो मेरा का आयोजन किया जाता है इसमें खर्च कितना आता है? देखिए जो कुछ भी खर्च आता है वो विभाग उसको बहन करता है। नहीं, आंकड़ा से मालूम पड़ना चाहिए कितना खर्च आता है, इतना बड़ा केंद्र सरकार इतने बड़े प्रायोजन कर रही है। सोरे जी लगभग कितना आया था पिछले बार? 4.6 करोड़, तो इतना ही लगभग यहाँ पर भी आएगा सर। 1.4 सर, इन स्कीम्स के थ्रू जो भी आप लाभ दे रहे हैं दिव्यांगजनों को, उसके बाद किस तरीके का मेलों के बाद, स्कीम्स देने के बाद किस तरीके का मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि उनको वो स्टेबिलिटी रहे कि जिस तरीके का लाभ उन्हें प्रॉपरली पहुँचा है उसके बाद उन्होंने क्या कार्य किया है? उसके बाद हमारी राज्यों के जो सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री हैं उन मंत्रीजनों के साथ में भी, जो राज्यों के विभागों के सचिव हैं उनके साथ में भी हम मीटिंग करते हैं और उन मीटिंग में इन सारी योजनाओं का फॉलो अप भी करते हैं। मदद का हाथ बढ़ाया गया। आपने संसदीय क्षेत्र में भी देखा गया करीब 3 बार इस तरह का दिव्यांगों को उपकरण का वितरण किया गया है, किस तरह का यह काम लगातार देश में किया जा रहा है? मैं विशेष करके मुंबई शहर के दिव्यांगजनों के ओर से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो हमारे मंत्री हैं उनका, और रामदास अठावले जो हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रकार का दिव्यांग मेला लगाया, जैसे आपने बताया कि मेरे मतदार संघ में 2-3 बार हमने जो दिव्यांग भाई बहन है उनको जो चीज़ वस्तुएँ लगती है उनके लिए वो बांटने का काम किया सरकार की ओर से निःशुल्क। लेकिन ये जो मेला जो लगा हुआ है वो उनको आत्मनिर्भर करने के लिए, वो जो भी घर में बैठकर जो चीज़ें बनाते हैं वो बेचने के लिए एक मार्केट लगता है, तो ये मार्केट लगभग 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करके ये मेला लगाने का काम केंद्र सरकार की ओर से हुआ है। मैं मानता हूँ कि मार्केट के माध्यम से दिव्यांगजनों में एक नया उत्साह, नया उमंग उनके जीवन में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि घर पर बैठ कर ही आत्मनिर्भर बनेंगे वो, और उनके बनाए हुए सारी चीज़ें इस प्रकार के मेला के माध्यम से जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिकेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ।